आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले वो अदाकार और अदाकाराएं जिनके यहाँ 2023 में बेटी या बेटे की पैदाइश हुई। नंबर वन पे आती है इमन खान। इमन खान और मुनीब भट्ट को इस साल अल्लाह ताला ने बेटी जैसी नेमत से नवाजा है, जिनका नाम उन्होंने मीरल रखा है। इमन खान को अब दो बेटियां हैं, पहली बेटी का नाम अमाल मुनीब है। नंबर दो पे आती है मिनाल खान। मिनाल खान ने शादी एहसन मोहसन से 2021 में की थी और इस साल अल्लाह ताला ने उनको बेटे जैसी नेमत से नवाजा है। अदाकाराओं के मुताबिक उन्होंने बेटे का नाम मोहम्मद हसन अकरम रखा है। नंबर तीन पे आती है नूर बुखारी। साबिक फिल्म स्टार नूर बुखारी और शोहर अवन चौधरी के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई और उन्होंने उनका नाम शहरबानो रखा है। नंबर फोर पे आती है गाना अली। रवां साल अल्लाह ताला ने उनको बेटे जैसी नेमत से नवाजा है, का नाम मोहम्मद इल्जा उमेर रखा है। नंबर पाँच पे आता है आतिफ असलम। आतिफ असलम और सारा अली को अल्लाह ताला ने इस साल बेटी जैसी नेमत से नवाजा है, इसका नाम उन्होंने हलीमा रखा है और इससे पहले इस जोड़े को दो बेटे हैं। नंबर छः पे आता है एहसन खान। एहसन खान पाकिस्तानी फिल्मी एक्टर, टीवी होस्ट और मॉडल हैं। उनके यहाँ रवां साल बेटे की पैदाइश हुई, इससे पहले इसके तीन बच्चे हैं। नंबर सात पे आता है समी खान। समी खान का शुमार पाकिस्तान के टॉप स्टार में होता है और इस साल उनके यहाँ बेटे की पैदाइश हुई। नंबर आठ पे आती है सुधरा बतूल। सुधरा बतूल ने अदाकारी छोड़ दी है और वो अब अपने खानदान के साथ अमेरिका में रहती हैं और इस साल उन्होंने अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया। नंबर नाइन पे आती हैं सरवत गिलानी। सरवत गिलानी और फहद मिर्जा को इस साल अल्लाह ताला ने बेटे जैसी नेमत से नवाजा है और इससे पहले उन्हें दो बच्चे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जैसे जैसे न्यू अपडेट आती जाएगी, हम आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।